नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में। आज की तमाम और अहम खबरों के साथ मैं फिरदौस। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीमावर्ती भैसोदा गांव में 15 दिनों से पानी नहीं आने पर लोग परेशान। 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर पानी लाने पर मजबूर लोग। भवानी मंडी में लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। जालौन में पुलिस को मिली सफलता, शातिर को किया गिरफ्तार। कई दिनों से चल रहा था फरार। कामा में गद्दे की फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। गुजरात बनासमाठा में पिकअप ट्रोला व बाइक में हुई गंभीर भिड़न। 13 लोगों की मौत होने की आशंका। अंबाजी के त्रिशूलिया घाट की है घटना। भरतपुर में कलेक्टर सभागार में प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। विभागीय अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। सुमेरपुर में नाना रेलवे स्टेशन पर इंजन में लगी अचानक आग। लोगों में मची अफरा तफरी। अब डालते हैं खबरों पर एक विस्तृत नजर। भवानी मंडी शहर के समीपवर्ती एमपी के भैसोदा गांव में 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण हीरालाल माली, मुकेश धोबी, पवन मेहर, गिरीश भील ठाकुर ने बताया कि पंचायत द्वारा गांव में 15 दिनों में एक बार ही पानी की जलापूर्ति की जाती है, जिसमें भी 15 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी के लिए गांव के लोगों को 1 से 2 किलोमीटर दूर स्थित खेत और कुओं से पानी लाना पड़ता है। वहीं सरकारी नल पर भी पानी भरने के लिए लोगों के बर्तन की लंबी लाइन लग जाती है, जिसे कई घंटे बीत जाने के बाद भी पानी भरने का नंबर नहीं आता है, जिससे घर के काम भी छूट जाते हैं। सरपंच सीताबाई गहलोत को भी कई बार पानी की समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन पंचायत द्वारा पानी की समस्या का कोई उचित समाधान नहीं किया गया। भैसोदा मंडी के बांशीदे में भी पानी की समस्या को लेकर परेशान है। यहां भी नलों में नियमित जलापूर्ति नहीं होने से लोगों को देर रात तक हेडपंपों पर पानी भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जहाँ लोग अपने पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तुम चल रहा है? आ रहा पानी? चल रहा। नल नहीं आते क्या आपके यहाँ पे? नल कहाँ आते? वो पूरा हुआ क्या तो आते हैं नल? आते हैं, उनके तो 24 घंटा 24 घंटा आते हैं। और तुम्हारे यहाँ नल नहीं आते हैं? कितना टाइम हो गया, कब से नहीं आ रहे तुम्हारे यहाँ नल? 2 महीना हो गया 2 महीने हो गए। भाई आप बताओ, आपके यहाँ परसों के दिन भी नल आए थे, अभी भी नल आ रहे हैं आपके यहाँ पे? बोल भाई, कॉलोनी वाले तो पानी के लिए दुखी है, और आपने परसों के दिन भी दिन में 2 बजे नल दे लेते, 2 बजे, और अभी भी आपने आपके नल चालू कर लिए, अभी पानी भी नहीं भरा है लोगों के, आपने आपके इधर नल चालू कर लिए। अभी आपने कितनी देर दी है, मेरे तो ये बताओ मुझे। अभी आपने 45 मिनट पानी भी नहीं आया नल में, और अभी भी आपने परसों के दिन आपने आपके नल दिए, उस मोहल्ले के अंदर 15 दिन में 8 नल आए है ना, और आज भी पानी नहीं दिया आपने। आपके इधर परसों के दिन पानी भरा था ना, और 8 भी नल ले लिया आपने। नल मोटर चल रही है आपकी, ये मैं दिखाता हूँ, ये मोटर चल रही थी तो परसों के दिन पानी भरा ना आपने, परसों के दिन नल दिया ना आपने आपके मोहल्ले में, पर 2 बजे नल आए, 2 बजे नल आए, 2 बजे नल आए, और अभी भी आपने ना फिर वजह भी नल चालू कर लिया, और गांव मोहल्ले वाले सब प्यासे मर रहे हैं। कूड़ा में जाओ तो तुमने तो परसों के दिन तुम्हारे नल दिए दिया, और अभी भी नल दे लिया। तीन टंकिया भरी थी नहीं आपके यहाँ पे, नल आएंगे आए परसों के दिन, और आज भी आगे एक दिन छोड़ के एक दिन 5 जगह नल आ रहा है। भवानी मंडी में श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कक्षा 10 के उत्तीर्ण सभी भैया बहनों का मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही नीट में चयनित विद्यालय के पूर्व छात्र गौतम का भी सम्मान किया गया। साथ ही नवीन आचार्य प्रशिक्षण शिविर 2019 जो कि श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में दिनांक 10 से 17 जून में सम्पन्न होगा, संबंधित व्यवस्था सभी आचार्य दीदी को बांटी गई। जालौन में जनपद जालौन की पुलिस को मिली दोहरी सफलता। पुलिस अधीक्षक जालौन स्वामी प्रसाद के कुशल निर्देशन में
जनपद की पुलिस को लगातार गुड वर्क जारी। आज फिर से उरई और कालपी पुलिस ने एक कामयाबी हासिल की। पहली कामयाबी हासिल की उरई कोतवाली पुलिस ने। उसने क्षेत्र से FCI गोदाम के पास एक शातिर बदमाश गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 16 मई को इंदिरा नगर उरई में सुशीला शिवहरे पत्नी नरेश शिवहरे के यहाँ हुई चोरी के मामले में 3 लेडीज अंगूठी, 1 जेंट्स अंगूठी, 2 जोड़ी झुमके सोने और 1 जोड़ी पायल के साथ 1100 रुपए बरामद किए। इन संबंध में कोतवाली उरई में मुकदमा अपराध संख्या 532-19 धारा 457 380 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आज उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने धारा 411 की बढ़ोतरी करते हुए उसे जेल भेज दिया। तो दूसरी तरफ सफलता कालपी पुलिस के हाथ लगी। उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी के साथ हुई मारपीट करने और उसके बाद उनकी मृत्यु की जाने के संबंध में 7 नामजद और 15 अज्ञात मामले में संजय यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी राम चबूतरा कालपी और मनोज तिवारी पुत्र राम प्रकाश तिवारी निवासी मिर्जा मंडी कालपी को गोविंद ढाबा के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ठीक है, तो हमने इसको बताया कि इसका माल मिला तब इसने बताया कि घर में किए। कालपी में हत्या की घटना घटित हुई थी, जिसमें पहले ही 3 शातिर अपराधियों को कालपी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। आज पुनः उसी गैंग के 2 शातिर अपराधी मनोज तिवारी और संजीव यादव को गिरफ्तार करने में कालपी पुलिस को सफलता मिली है। ये तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध एक बड़ी सफलता है। किस तरह से इन्हें पकड़ा गया, क्या इनको मुखबिर की सूचना पर हमने जो है गिरफ्तार किया है। कल जब ये भागने का प्रयास कर रहे थे जनपद से बाहर, तो मुखबिर और सर्विलेंस के जरिए मेरे द्वारा इनको गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त की गई। इस मामले में कुछ और अपराधी, इस मामले में पहले ही 3 अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है और 2 अपराधी ये पकड़े गए हैं। शीघ्र जो बचे हुए अपराधी हैं उनको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। कामा क्षेत्र के गाँव गोपालगढ़ पीपलखेड़ा गाँव में गद्दे की फैक्ट्री में लगी अचानक आग। अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस गद्दे की फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने स्तर से ही आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचना शुरू हो गई। फैक्ट्री में करीब 60,000 से 7 लाख तक का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है और साथ ही एक पिकअप गाड़ी जलने की भी सूचना मिल रही है। फिलहाल गोपालगढ़ थाना प्रभारी राम नरेश सहित अन्य पुलिस का स्टाफ मौके पर पहुंचा। करीब 1 घंटे बाद कामा फायर ब्रिगेड की गाड़ी कामा से रवाना होती है और घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही फायर की गाड़ियों का डीजल खत्म हो जाता है। ग्रामीणों ने अपने निजी खर्च पर करीब 20 लीटर खरीद पर गाड़ी में तेल डालते हैं, तब जाकर फायर की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंच पाती है। लेकिन आग की सूचना पर प्रशासन का पुलिस महकमे के छोड़कर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंच पाता है। आखिर इतना बड़ा हादसा होने पर अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे? कहां थे अधिकारी? फायर की गाड़ी क्यों खत्म होता है डीजल? आखिर कौन है दोषी? इतनी बड़ी घटना का करीब 3 दमकल की गाड़ियों से 4-5 घटक में आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में स्थानीय लोगों में ग्रामीणों की अहम भूमिका नजर आई। ग्रामीणों ने अपने निजी खर्च पर एक पेट्रोल पंप से 20 लीटर डीजल मंगाया और कामा की दमकल की गाड़ी में डलवाया। इसी के साथ जिसके पास जैसा साधन उपलब्ध था उसी साधन से वह पानी ढोने का कार्य करता रहा। ग्रामीणों ने अपनी जान बाजी लगाकर इस भयानक आग पर काबू पाया, लेकिन प्रशासन के कानों में आग लगने की सूचना पर 4-5 घंटों तक जू नहीं रहेंगी। पापी पेट पालनहार योजना में सभी अधिकारी लगे नजर आ रहे थे, कोई भी इस घटना में अपनी अहम भूमिका नहीं अदा कर रहा था। अगर प्रशासन समय पर पहुंचता तो शायद इतनी भयंकर आग व करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचा जा सकता था। प्रशासन में
ग्रामीणों के खिलाफ भारी रोष व्याप्त थे। और ज्यादा ज्यादा कौन से 50 को तो माल ही माल है, 50 को तो माल ही माल है हमें। एक पे पहुंचेगी गाड़ी 1 करोड़ पहुंचेगी गाड़ी। तू स्टॉक हो पड़ो माल को सहयोग कर रहे हो इसमें? इसमें गांव वालों का पूरा सहयोग रहा है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड है वो लेट आई है काफी। हम सब लोगों ने फोन किया है, हमने ऐसे तो साहब के पास फोन किया है, सब बेडम जी के पास फोन किया है, सबके पास फोन किया है जी। लेकिन हमारे पास जो मेन जो कमी रही है वो यहाँ पे फायर ब्रिगेड लेट आई, 2.5 घंटे में आई। बाकी गांव का पूरा सहयोग रहा है, गांव वालों ने, सबने, आसपास के गांव वालों ने भी सबने यहाँ सहयोग किया है। फायर ब्रिगेड है ही नहीं यहाँ, और फिर फायर ब्रिगेड आई है तो उसमें डीजल हमारा खुद का डाला गया है नहीं, हमने खुद ने डीजल डाला है। अच्छा, डीजल भी आप हमारा खुद का, हमारे से मंगवाया उन्होंने। ये देखिए भारी कमी आप देख रहे हो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है, और जैसा कि जहाँ ये लोग मौजूद है यहाँ पर आग लग रही है, अभी भीषण आग लगी हुई है और निश्चित रूप से इसमें काफी समय लगेगा इस आग पर काबू पाने में। और गाड़ियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में डीजल तक नहीं है, यहाँ फायर ब्रिगेड ही नहीं ला करके डाला है, सीकरी में है नहीं। कामा वाली जो गाड़ी है उसमें, जी जी कामा वाली गाड़ी है उसमें। अच्छा, कामा वाली जो गाड़ी है उसमें डीजल नहीं था? डीजल नहीं था, ये फोटो भी खींच लिया उसका। अच्छा, उसमें डीजल हमने खुद ने ला करके डाला है, 20 लीटर डीजल ला के डाला है ये तो। अच्छा, प्रशासन कितनी देर में यहाँ एक्टिव हुआ था, थोड़ा बताइए आप इसके बारे में। हम 7 बजे के फोन करने में लग रहे हैं सर जी, जयपुर ही फोन किया जी, उन्होंने आपका लंबा रास्ता है, आने में टाइम लगेगा जी, इसलिए फिर हम 7:27 से हम फोन कर रहे हैं कंटिन्यूस लगातार, जबकि 6 बजे के आसपास। बनासकांठा में गुजरात अंबाजी के त्रिशूलिया घाट में पिकअप ट्रोला व बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, करीबन 13 लोगों के मौत होने की आशंका बताई जा रही है। दाता से पिकअप ट्रोला में सवार यात्री माँ अम्बा के दर्शन के लिए अंबाजी जा रहे थे, त्रिशूलिया घाट में सामने से आ रही बाइक के बसाने के चक्कर में पिकअप ट्रोले के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में पिकअप ट्रॉली में सवार कई यात्रियों को चोटें भी आई और कई की तो मौके पर ही मौत हो गई, घायलों को पालनपुर रेफर किया गया। हादसे में कुल 13 लोगों के मरने की आशंका जताई बता रही है। अरे यार, जल्दी हटाऊं तो प्रॉब्लम, नहीं हटाऊं तो प्रॉब्लम। वापिस ले रहे हो क्या? और पानी पी लूं क्या? रे माउट, अरे नहीं होगी। ठीक है, अरे उधर यार लो, उधर चलो, ब्रा इधर आओ, उधर रेडी। बनासकांठा में गुजरात अंबाजी के त्रिशूलिया घाट में पिकअप ट्रोला व बाइक में जोरदार भिड़ंत, करीब 13 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है। दादा से पिकअप ट्रोला में सवार यात्री मां अंबा के दर्शन के लिए अंबाजी जा रहे थे, त्रिशूलिया घाट में सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में पिकअप ट्रोले में ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में पिकअप ट्रोली में सवार कई यात्रियों को चोटें भी आई और कई की मौके पर मौत हो गई, घायलों को पालनपुर रेफर किया गया। हादसे में कुल 13 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। आए दिन यह बड़ा हादसे होते हैं, लोडिंग गाड़ियों में क्यों बिठाते हैं, क्यों नहीं करता परिवहन विभाग इन पर कार्रवाई, या जानबूझकर भी अनजान बन रहा है परिवहन विभाग। Thank you.
भरतपुर में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों तथा CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को जिला स्तरीय आर्थिक गणना के सुपरवाइजर रेवर 1-2 तथा एन्यूमरेटरों के प्रशिक्षण का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। प्रशिक्षण में जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मान सिंह सोनी, राजेश कुमार शर्मा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अन्य जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारी NSSO विभाग से JP मीणा, स्टेटिकल ऑफिसर CSE के जिला संवयनक राहुल भाटिया तथा जिला प्रबंधक विपुल कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान CSE जिला प्रबंधक विपुल कुमार मिश्रा ने बताया कि 7वीं आर्थिक गणना का कार्य CSE को दिया गया है, जो कि ई कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा मोबाइल के माध्यम से किया जाएगा। 7वां इकोनॉमिक सेंस डिजिटल तथा पेपर लेंस होगा। इस कार्य को करने के लिए VLE बंधुओं को ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद सुपरवाइजर और एनुमरेटर के लिए ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, तभी वे इकोनॉमिक सेंस सर्विस कर सकेंगे। साथ ही श्री मिश्रा ने इकोनॉमिक सेंसेस की बारीकियों को और महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में विभागीय सुपरवाइजर लेवल 1, सुपरवाइजर लेवल 2, एन्यूमरेटर तथा CSE की जिला टीम भी उपस्थित रही। किससे ग्रॉप करना है, मंदिर से, मस्जिद से, तालाब से? श्रीमान जी, मेरा नाम सालिम खान है। ये सुपरवाइजर लेवल 1 की प्रेजेंटेशन थी। सुमेरपुर के पास नाना रेलवे स्टेशन पर रेल के इंजन में आग लगने से हड़कंप। नाना रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी। अहमदाबाद से चलकर पैसेंजर गाड़ी अजमेर जा रही थी, तभी नाना रेलवे स्टेशन पर इंजन में आग लगने से गाड़ी को रोक लिया। स्टेशन मास्टर व सहायक कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, हालांकि कोई जानहानि होने की सूचना नहीं है। नाना पुलिस SI करनीदान सारण भी मौके पर पहुंचे। अभी भी अजमेर पैसेंजर नाना रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी है। रेल पैसेंजर भी बता रहे हैं, गर्मी के कारण इंजन में आग लगी। गरम क्या, ठंडा क्या, जाना तो पेट में। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।